बड़ी खबर सीधा जो बिहार से आ रही है, बता दें आपको कि बिहार में एक सियासी उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आप देखिए कि वहां पर गठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार यानी जो सीएम थे उन्होंने भाजपा से जो है वो गठबंधन जो है वो खत्म कर दिया है और वो शाम 4 बजे जो है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी गठबंधन जो है वो टूट चुका है और सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला जो है वो कर लिया है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि काफी ज्यादा दिनों से जो तनावपूर्ण स्थिति जो है वो चल रही थी, इसके बीच में जो बिहार है वो ये इंतजार कर रहा था कि क्या होने वाला है। जब किसी भी राज्य में कुछ होने वाला होता है तो जनता के हित में जो है वो फैसले होने चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि जो सीएम थे बिहार के उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया है। उन्होंने भाजपा के साथ यानी जो भी अपनी गठबंधन की सरकार थी उसे जो है वो खत्म कर लिया है और 4 बजे यानी शाम 4 बजे जो है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने जो है साफ तौर पर आपको बता दें कि बीजेपी का दामन जो है वो छोड़ दिया है। उसी के साथ साथ ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि जिस पर वो मोहर जो है वो लग चुकी है। इससे पहले ही आप जानते हैं कि जब भी कुछ इस तरह का होने वाला होता है उससे पहले जो है वो सियासत का बाजार गर्म हो जाता है। उसमें इस तरह की अटकलें जो है वो लगाई ही जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो कभी भी ऐसा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब जो है उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया है और ऐसा फैसला लेने के साथ जो है ये मोहर पुख्ता होती है कि वो भाजपा के साथ जितने भी लिंक थे जो गठबंधन में थे वो जो है उन्होंने तोड़ दिया है। और इसके साथ क्या आगे की सरकार किस तरह से चलेगी उसके लिए जो है वो आज ही शाम 4 बजे, जी हाँ, ये फैसला जो है वो मंगलवार को उन्होंने लिया है और आज शाम 4 बजे जो है वो वहां के गवर्नर से जो है वो मिलने वाले हैं। और किस तरह का बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, किस तरह का उलटफेर चल रहा है, तो ये सीधा जो है खबर बिहार से ही थी। तो बिहार की अगर और खबरों की ओर रुख करते हैं, जैसे बिहार में आज जेडीयू और बीजेपी गठबंधन जो है वो टूट चुका है। जनता दल यूनाइटेड की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है, शाम को जिस तरह से वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे आगे की रणनीति तय होगी तो तभी जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगा कि आगे क्या होने वाला है और बिहार जो है वो किसके हाथों में जाने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, ऐसी अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी, लेकिन अभी खबरों ने जो है वो मोहर लगा दी है। और अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहां पर उनके ऑफिस के बाहर जो है वो बहुत सी भीड़ यानी क्राउडेड एरिया हो चुका है, बहुत सी भीड़ जो है वो वहां पर शामिल है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया है। सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे जिसमें आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस शामिल है। यानी आप देखिए कि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन के साथ एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाएंगे जिसमें आरजेडी होंगी और कांग्रेस भी जो है वो शामिल होगी। शाम को जब वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तब गठबंधन के नेता भी उनके साथ मौजूद होंगे, यानी जब वो शाम को मिलेंगे गवर्नर से तब उनके साथ वो लोग भी शामिल होंगे जिनके साथ वो जो है मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। और वो गठबंधन के साथ जब सरकार बनाएंगे तब राज्यपाल के साथ जो है वो साथी भी उनसे मुलाकात करेंगे, उन पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी जो है वो मुलाकात करेंगे। तो बैठक में जेडीयू के विधायक, सांसदों और नेताओं ने नीतीश कुमार से ये भी कह दिया है कि हम जो है वो उनके फैसले के साथ हैं, हम उनके फैसले का जो है वो समर्थक करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2022 में अगर 43 सीटों की बात करते हैं तो वहां पर जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने थे, तो इसके साथ साथ जो है उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन हालांकि बिहार में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो लगातार जारी है और इसी के साथ जब शाम को जो है वो 4 बजे वहां पर जो है वो गवर्नर से यानी राज्यपाल से मिलेंगे तो उनके साथ जो है जिस तरह से बात करते हैं उनके साथ साथ वो लोग भी होंगे, वो सरकार भी होंगी, चाहे वो कांग्रेस की बात करते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से अगर हम बात करें उनके साथ अन्य जो है वो भी लोग शामिल होंगे और वो जो है वो एक पत्र जो है वो गवर्नर महोदय को जो है वो सौंपने वाले हैं। लेकिन अभी भाजपा के साथ जो है वो गठबंधन टूट चुका है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस का डंका जो है बज रहा है, ऐसे में क्या बिहार में भाजपा को क्या एक बार फिर से बैकफुट आना पड़ेगा या भाजपा जो है उसे एक बार फिर से जो है वो राजनीति में आने के लिए बिहार से जो है कड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन अब तक की बड़ी खबर यही है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो है वो बीजेपी के साथ अपने अलायंस को खत्म कर दिया है और किनके साथ उनको महागठबंधन की सरकार बनानी है ये भी उन्होंने तय कर लिया है। पर शाम 4 बजे क्या होने वाला है ये सबकी निगाहें जो है उस पर टिकी है और बिहार का भविष्य क्या होने वाला है उस पर भी जो है वो चर्चा जरूर होगी। लेकिन देखते हैं शाम को कौन कौन सी जो है पार्टीज मिलकर जो है वो सरकार बनाती हैं। सोर्सेस कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार होगी तब इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और भाजपा जो है अभी सत्तावी पार्टी है क्योंकि सत्ता आप देख रहे हैं कि लगातार जिन भी राज्यों की बात करते हैं भाजपा के हाथ में जो है वो सत्ता है। तो देखते हैं भाजपा से अलग होने के बाद में कौन सी पार्टियां जो है उनके साथ महागठबंधन की सरकार लेके आती है। यहाँ पर जेडीयू और कांग्रेस का नाम जो है उनके साथ शामिल किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है बिहार के पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो किस तरह से खत्म होंगे या इसके बाद जो है क्राइसिस खत्म होंगे? लगातार आप वहां का माहौल
देख रहे थे और 4 बजे जो है आपके पास एक बार फिर से हाजिर होंगे ये दिखाने के लिए कि किसकी महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में बनाई गई है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज़। आशय खान से तलाफ़।